जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन के बारे में। आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। रक्षाबंधन का त्योहार ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों में खुशी झलक जाती है, और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे कि ये न पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। भारत जिसे कि संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वहीं तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दिया गया है। इसकी इतनी ज्यादा महत्व है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हां दोस्तों, मैं रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं की ही बात कर रहा हूं। इस पर्व को श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहां पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है, और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। ये त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है, वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा ये त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न तो उठ ही रहा होगा, आखिरकार रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? तो बता दे, रक्षाबंधन असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं इसे केवल सगे भाई बहन ही नहीं, बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं, वो इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, वहीं वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वहीं भाई भी अपने बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए, वो अपने बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भी भगवान से अपने बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। वहीं इस त्योहार का पालन कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो सगे भाई बहन हो या ना हो। अब शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, लेकिन ये रक्षाबंधन का त्योहार का इतिहास कितनी पुरानी है। रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुरानी है। राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मनाते हैं, लेकिन सभी त्योहारों के तरह ही राखी का भी एक इतिहास है। राखी से जुड़ी ऐसी कहानियां जो कि दंत कथाओं में देखने और सुनने को मिलती हैं, जैसे रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं, माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी, कृष्ण और द्रौपदी की कहानी, यम और यमुना की कहानी, इन सब कहानियों में रक्षाबंधन की झलक सुनाई और दिखाई देती है। इससे हमें ये पता चलता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत हजारों वर्ष पहले ही प्राचीन भारत में हो चुकी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको रक्षाबंधन की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि व्यूअर्स को पूरी जानकारी प्रदान की जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और हर एक सनातनी को शेयर जरूर करें, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।